साहित्य अकादमी नई दिल्ली के परामर्श समिति की बैठक समिति के सचिव के श्रीनिवास राव की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित एक होटल में संपन्न हुई। बैठक में डॉक्टर चितरंजन मिश्र, प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे सहित अन्य शिक्षक, साहित्यकार व समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में हिंदी साहित्य को लेकर विविध चर्चाएं की गई। बैठक में हिंदी लेखकों के संचयन, निबंधन लिखने सहित एक वर्ष में होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई तथा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि रामचंद्र तिवारी के ऊपर मोनोग्राम यानी एक पुस्तक तथा उनकी पुस्तकों को शोध के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदी साहित्य अकादमी नई दिल्ली के सचिव के श्रीनिवास राव ने कहा, संगोष्ठी वाला है 8वां नंबर, ललित निबंध स्वरूप और परंपरा जो भी बजाती है, इसका संयोजन किया, इसको भी इसमें हमारे पास सब 6 लेख हो गए हैं। अगर ये सभी लेख आज अन्य लोग भी हैं देश में, क्या उनके भी 2-4 6 निबंध या आलेख शामिल कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन दो दिन में जो भाग लिया है, हाँ, उन लोग की तरफ ठीक नहीं है, इतना बड़ा है कि कम से कम 10 पेज निकल जाएगी उसकी, मित्र ने उधर ऑर्गेनाइज किया। उस वक्त हम लोग ने साहित्य अकादमी जो घटनाएं हैं कुछ छोटे छोटे कारणों की वजह से ये चिट्ठी पढ़ के सुनाना बहुत ही आवश्यक लगा, इसलिए मैंने आज मंगवा के पढ़ रहा हूँ। सेवा में सचिव राष्ट्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली महोदय, अत्यंत खेद के साथ सूचित है कि राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में चंद्र कुमार अगस्त्य मुनि उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है। राष्ट्रीय साहित्य अकादमी एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय, बावजूद भी कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, मीडिया बहुत बढ़िया कवरेज किया, मतलब अभी तक लगातार उसकी मीडिया की उसका जिगर आ रही है। आज साहित्य अकादमी की हिंदी परामर्श मंडल की बैठक गोरखपुर में हुआ है। मुझे लग रहा है पिछले एक दशक में पहली बार गोरखपुर में ये इस तरह का सभी हमारी मेंबर्स की एडवाइजरी बोर्ड मीटिंग हो रही है। आज बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया है, और सारे हिंदी लेखकों के संचयन के बारे में, उनकी विनिबंध लिखने के बारे में, अगले एक साल के कार्यकाल में क्या क्या हिंदी की गतिविधियाँ होगी, उन चीज़ों को भी इसमें चर्चा होगी। और आज जो चर्चा हो गया उसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रखे, उसमें पारित होने के बाद उसको अमल करेंगे। हाँ, हम लोग गोरखपुर इसलिए आए हैं कि जो कल यहाँ के जाने माने कवि और साहित्य अकादमी पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की मात्र सम्मान देने के लिए आए थे, और इस अवसर पर हम चाह रहे थे कि हमारे हिंदी की जितना भी साहित्य अकादमी के जो 17-18 मेंबर है, उन लोग भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, साथ साथ इस तरह का एक मीटिंग भी होए। ये साहित्य अकादमी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, इम्पॉर्टेंट जो एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है गोरखपुर की, रामचंद तिवारी के ऊपर एक मोनोग्राफ यानी विनिबंध कहा जाता है हिंदी में, उसके ऊपर एक पुस्तक आने का एक प्रस्तावना लिया है, और साथ साथ विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की रचना संचयन यानी रीडर, जो आने वाली पीढ़ियों को एक रिसर्च करने के लिए बहुत काम आएगा, वो भी एक निर्णय लिया है इसमें।